नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। इसके लिए हमने 2 किलो गाजर ली हैं। गाजर ना आपको इस टाइप की लिया कीजिए, हल्की रेड कलर की, जो बहुत डार्क और ब्लैक कलर टाइप की आती है ना, उसका गाजर का हलवा लाइक देखने में थोड़ा ब्लैक कलर का आ जाता है, तो इसलिए आप इस टाइप की गाजर लीजिए। ये मैंने ली है करीब 2 किलो गाजर। इनको हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे और इनको पूरा छील लेंगे, जो उनका छिलका है वो निकाल लेंगे और काट लेंगे मोटे मोटे पीसेस में। और लेंगे हम मलाई, ये मेरे घर की फ्रेश मलाई है, आप चाहे तो मार्केट से खोआ भी मंगवा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं है, ये मेरा पूरा घर का मलाई है फ्रेश। साथ ही लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स, ये है हमारा किशमिश, किशमिश मैंने लिया है करीब 100 ग्राम, और लिए हैं काजू, काजू भी है मेरे करीब 100 ग्राम। अखरोट लिए हैं मैंने, इनकी हम गिरी को निकाल लेंगे तोड़ के इसको, ये भी मेरे करीब 100 ग्राम है। और लिया है मैंने बादाम, बादाम भी हमारे इसी रेशो में है। और साथ ही मैंने लिया है गुड़, मैं आपको हलवा गुड़ का बताने जा रही हूँ, बिना कोई चीनी, बिना कोई और एक्स्ट्रा। साथ ही लेंगे हम दटनी मिर्च है, ये दटनी मिर्च मैंने सिर्फ 50 ग्राम करीब ली है, इसका हल्का सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये आपकी आइस के लिए बहुत ही बेटर रहता है। और ली है मैंने इलायची, इलायची है मेरी 6। अब जो हमारे बादाम हैं उनको हम गर्म पानी में भिगो देंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे, और इसी तरह दटनी मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, करीब आधे घंटे के लिए भिगो देंगे गर्म पानी में, और बादाम का छिलका निकाल कर और दटनी मिर्च का पानी समेत दटनी मिर्च, इसको हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। मैं आपको हलवा बहुत ही इजी वे से बताना जा रही हूँ, क्योंकि जो गाजर है उसको ना कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इनको काट लिया है। अब इसको हम सिर्फ 1 कड़छी पानी डालकर कुकर में और 1 सीटी लगाने तक हल्की गैस पर ही रख देंगे। मैंने कुकर में इसको बॉईल कर लिया है 1 सीटी आने तक, और गैस मैंने हल्की रखी थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, ठीक है ना। अब इसको हम ना किसी भी स्मैशर से, स्मैशर जो होते हैं आपके पास, ये मैंने रई ले रखी है, या आप कड़छी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और उससे आप इसको हल्का सा इस तरीके से अच्छे से दबा दीजिए, जो गाजर है ना वो आपका पानी बहुत छोड़ती है। अब इस कंडीशन के बाद हमें कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ये सारी गाजर डाल देंगे। मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और गैस मेरी फुल है, क्योंकि जो गाजर है ना उसमें पानी बहुत होता है, तो इसको आपको पूरा पानी इसका ड्राई करना होगा। अब इसका हम पानी बिल्कुल ड्राई करेंगे, गैस मैंने फुल रख दी है। देखिए बहुत जल्दी से हमने ये कर लिया ना, नहीं तो जो कद्दूकस होता है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही किया था, तो मेरा मन किया मैं आपके साथ इस तरह से रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि कद्दूकस करने में ना मेरे को भी बहुत टाइम लगता था। देखिए मैं जाता ना नॉर्मली पानी सुखाने के लिए इस तरह से कर लेती हूँ, देखिए बिल्कुल पानी इसमें नहीं है। बस अभी 10 मिनट और इसको रखेंगे हम गैस पर, और फुल गैस रखी है मैंने, देखिए कहीं भी गाजर हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में मुझे जो पानी मैंने ड्राई करा है इसमें मुझे सिर्फ हार्डली 15 मिनट्स लगे हैं। अब एक मैंने अलग गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और गैस मैंने ऑन कर ली है, उसमें मैं सिर्फ 1/2 स्पून देसी घी डाल रही हूँ, और इसमें फिर हम हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है ना उनको हम भून लेंगे। अब इसमें मैं अखरोट डाल दिए हैं मैंने, और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। ये हल्के से देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, जो मेरे बादाम अखरोट थे ना उनको मैंने निकाल लिया। अब जो काजू है उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, ये हमारा भून चुका है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि किशमिश जो है ना वो बहुत जल्दी भून जाती है, तो फटाफट से इसको हम निकाल लेंगे भूनने के बाद। अब इस स्टेज पर इसको निकाल लेंगे। अभी दटनी मिर्च का पेस्ट था ना, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आपको बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है। अब इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे, और कोई नहीं कह सकता ये बिना कद्दूकस किए हुए बन रहा है। हम इसी कढ़ाई में जो हमारी मलाई है उसको हम अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा इसका
जरा बस जो भी इसमें मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। देखिए इसका मैंने पूरा मॉइस्चर अच्छे से सुखा दिया है। ये हमारा खोआ बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। ये देखिए जगह छोड़ रहा है ना ये कढ़ाई। अब इस स्टेज पर मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसमें मैं ये जो हमारा खोआ बनकर रेडी हुआ है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्रश कर लिया था हलवा हमारा, इतना गर्म है इसी में हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और अच्छे से इसको मिक्स भी कर लेंगे। गुड़ डाल दिया है मैंने इसमें और देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें सब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ मैं। सभी डाल दिया है मैंने, अखरोट, काजू, किशमिश और इलायची पाउडर। इलायची का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और देखिए जो छिलके बच जाते हैं इलायची के उसको ना मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ। आप भी उसको फेंका मत कीजिए, चाय बनाने में यूज़ किया कीजिएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ ये बादाम का पेस्ट भुना हुआ। दखनी मिर्च आपकी आईज लिए बहुत बेटर रहती है, बाकी आप चाहें तो दखनी मिर्च ना भी डालें आपके पास नहीं है तो। अब इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो गुड़ है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको टेस्ट करके, और चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें घी यूज़ नहीं किया है बिल्कुल, क्योंकि जो आपका मलाई है वो मेरा घर का ही है और वो भी काफ़ी घी छोड़ता है। उसका मैंने खोआ बना दिया था। अब मैं इसको बस सर्व कर लेती हूँ। ये मेरा देखिए अच्छे से बनकर रेडी है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, अच्छे से भुन चुका, बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये मेरा बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए पता लग रहा है आपको कि कुछ कद्दूकस किया है या कुकर में बॉईल किया है ना, बहुत इजी रेसिपी। और ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट 1 आवर में बनकर कंप्लीट हो चुका है। बहुत टाइम ही नहीं लगा, नहीं तो आपने सुना होगा दादी नानी से कि सुबह बनाया हमारा शाम तक रेडी हुआ या नेक्स्ट डे तक रेडी हुआ, तो इतना टाइम इसमें नहीं लगता है। बनकर रेडी है, अब इसको मैं गार्निश कर देती हूँ। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है उनको रोक लिया था, और ये मेरे भुने हुए हैं तो कोई इससे टेस्ट डिफरेंट नहीं आएगा। तो आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।